हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कुछ ब्यूटी टिप्स। हमारी स्किन चाहे कैसे भी हो, गोरी हो या काली हो, लेकिन हमारी स्किन पर अगर ग्लो ना हो तो खूबसूरती अधूरी सी ही लगती है। तो आज हम इसके लिए एक होममेड सीरम बनाएंगे जो ऑर्गेनिक भी है और नेचुरल भी है। उसके लिए हमें चाहिए होगा रोज़ वाटर, एप्पल साइडर विनेगर और थोड़ा सा ग्लिसरीन। और ये तीनों चीज़ें हमको एक सी ही मात्रा में लेना है। एक बाउल में हम तीनों को इकट्ठा डालेंगे और धीरे धीरे से अच्छे से उसको मिला लेंगे। फिर एक फनल की मदद से हम एक स्प्रे बॉटल या पंप बॉटल में इस सीरम को भर लेंगे। के अंदर हम शहद और एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। और उस सीरम को अगर आपको यूज़ करना है तो तुरंत ही यूज़ करना पड़ेगा। लंबे समय तक रखने के लिए हम ये तीन चीज़ें ही यूज़ करेंगे। अब हम जानते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। हम इसको पेडिक्योर के पानी में भी डाल सकते हैं, मैनीक्योर के पानी में भी डाल सकते हैं। और इसे हम बिफोर बाथ सीरम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फेस को वॉश करने से पहले हम ये सीरम को अपने फेस पर स्प्रे करेंगे। हमारे बालों को भी धोने से पहले इसके ऊपर हम ये स्प्रे कर सकते हैं और हमारी स्कैल्प पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम को हमारे फेस के ऊपर स्प्रे करने के बाद रोलर की मदद से हम मसाज भी कर सकते हैं। धीरे धीरे स्प्रे करते जाएं और धीरे धीरे इस सीरम को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते जाएं। इसको हम हमारी पूरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सीरम को स्प्रे बॉटल की मदद से हमारी पूरी बॉडी पर हम स्प्रे करके उसको स्किन के अंदर उतार लेंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही हम उसको छोड़ देंगे। फिर रोज़ाना की तरह ही हम साबुन या शावर जेल से नहा लेंगे। बालों को भी अच्छी तरह से शैम्पू से साफ़ कर लेंगे। इसमें एप्पल साइडर विनेगर होने के कारण आपके स्कैल्प पर डैंड्रफ या कोई और जर्म्स होते हैं तो वो भी क्लीन हो जाते हैं। ग्लिसरीन की मदद से इसमें बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और रोज़ वाटर की वजह से आपको कंडीशनिंग भी मिल जाती है। इस सीरम का मैं एक और अच्छा यूज़ बताती हूँ। आप एक आइस ट्रे में इसको जमा लें और इसको जमाने के बाद इसके क्यूब को आप एक जिपलॉक बैग में भर के रख लें। ऐसा करने से ये काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होता है। इन आइस क्यूब को अपने फेस पे लगा लें। इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही सप्पल और एकदम प्लम्प फील करेगी और इससे रिंकल्स भी कम हो जाते हैं। हम इस सीरम को शीट मास्क में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे शीट मास्क हमको कोई भी शॉपिंग साइट पर मिल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स। रोज़ वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन की रेडनेस हटाता है, छोटे छोटे दाग धब्बों को भी हटाता है। इसकी खुशबू की वजह से हमारा मूड भी अच्छा रहता है। एप्पल साइडर विनेगर हमारे एक्ने और पिंपल को हील करता है, सनबर्न को भी हील करता है और स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी डेड स्किन हटाता है और हमारी स्किन पे आए हुए रिंकल्स को भी कम करता है। ग्लिसरीन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसके साथ साथ वो हमारी स्किन बैरियर फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि कोई भी बाहर की गंदी चीज़ वो अंदर एंटर होने से रोकता है और ये हमारी छोटी छोटी खरोंचों और चोटों को भी अच्छे से हील करने में मदद करता है। आपको ये सीरम कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही हेल्पफुल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड डे।